Hello everyone, today we'll discuss about population change. आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज में पॉपुलेशन चेंज की, कि पॉपुलेशन जो एवरी डिकेड्स यानी कि साल दर साल जो बदलती जा रही है उसके क्या कारण है। बर्थ रेट, डेथ रेट के लिए आपने सुना होगा, कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो भी पॉपुलेशन चेंज में हेल्प करते हैं। नंबर ऑफ पीपल इन ए गिवन एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होते हैं उसे पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन एंड नेचुरल फैक्टर्स इसमें हेल्प करते हैं, इसको इंक्रीज करने में मदद करते हैं। इसके कुछ तत्व या फैक्टर्स बोले जाते हैं जिससे पॉपुलेशन चेंज होती है। देखिए, टिल 1800 तक डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही लगभग बराबर थी, और बराबर होने का रीज़न क्या था, क्योंकि उस समय तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, एडवांसमेंट नहीं था। डेडली डिजीज यानी स्टारवेशन, भूखमरी और इसके अलावा जो कुछ ऐसी बीमारियां होती थी जिससे लोग सही टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से मर जाया करते थे। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, यानी 1800 के कुछ 10 या 20 साल बाद ही 1820 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई, 1 मिलियन हो गई। वर्ल्ड पॉपुलेशन चेंज हो गए, 1 मिलियन हो गई, और उस 1 मिलियन से 3 बिलियन होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, लगभग 150 साल। यानी आफ्टर 150 ईयर इन 1970 पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसमें जो ग्रोथ रेट थी, पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी, वो क्या था कि पॉपुलेशन मल्टीपल हो रही थी, साथ ही साथ जो एडवांसमेंट थे यानी कि नए इनोवेशन से, न्यू इनोवेशन की वजह से क्या होता जा रहा था, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही थी हेल्थ केयर, और जो डेडली डिजीज थी उनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली थी, और जो गवर्नमेंट बनती थी हर टाइम चेंज होती है, वो भी जो पॉपुलेशन थी उसको हेल्प कर रही थी। तो कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और 1970 के बाद 1999 में पॉपुलेशन डबल हो गई, यानी 3 बिलियन से पॉपुलेशन कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई। यानी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, द सडन इंक्रीज। अब आप ये देखिए कि पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं, सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि अचानक जो तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है, वो क्या कहलाती है, कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाती है। अब हम इसके कुछ कॉजेज देखेंगे, कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी पहले स्लो थी और अब इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। तो देखिए, हायर बर्थ रेट सबसे बड़ा कारण क्या है, बर्थ रेट तो ज़्यादा है यानी कि जन्म दर तो ज़्यादा है, और वहीं पे डेथ रेट क्या है, लो हो गई है। पहले डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल थी, 1800 नियर अबाउट डेथ और बर्थ इक्वल था, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये संभव था। तो अभी क्या हो चुका है, ये डेथ बर्थ रेट तो हाई हो गई है और डेथ रेट लो हो गई है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, अभी मॉडर्न टाइम में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ चुकी है। इसके अलावा एडिक्वेट फूड सप्लाई, यानी पहले स्टारवेशन से यानी भूखमरी से लोग मर जाया करते थे, लेकिन अभी क्या होने लगा है, फूड सप्लाई यानी कि जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए अपनाया है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन कार्ड वाला सिस्टम है, उससे हर पर्सन करीब पर पर्सन को फूड सप्लाई करती है। तो जितना ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन कम होता था वो भी बढ़ गया है, और साथ ही गवर्नमेंट ने ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है जिससे कि हर एक व्यक्ति तक खाना पहुंचता है। इसके अलावा हाई रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो जीवन जीने के कुछ उम्र होती थी स्पेसिफिक
और जो उनकी बॉडी रिकवरी थी वो इतनी नहीं हो पाती थी, लेकिन अभी मॉडर्न फैसिलिटी आ जाने के बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज हो चुकी है, तो इसी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज हो रही है। फिर है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट, यानी बर्थ और बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, ग्रोथ रेट कहलाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए प्लेस इज कैलकुलेटेड इन डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन दैट प्लेस बाय द एरिया ऑफ द प्लेस। तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में 1028 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं बिहार में 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 829 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, केरला में 860 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, तमिलनाडु में 555 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं महाराष्ट्र में 365 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर 56 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि आपने जैसे टोपोग्राफी पढ़ा था, बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी कहीं टेरेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं लैंड एरिया है, तो जो सूटेबल होता है पॉपुलेशन के लिए वही ग्रोथ ज़्यादा होती है, वहीं पे जो ये माउंटेनियस प्लेन्स सॉरी प्लेट्यूज होते हैं जहाँ एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहाँ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर कम होती है। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। इसी तरह से इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है उत्तर प्रदेश में। थैंक यू।